इतिहास की तीन सबसे महंगी गलतियां पार्ट 3। 2015 में चाइना के शहर तियानजिन में केमिकल स्टोरेज गोदाम में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यह विस्फोट इतना विशाल था कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता था। इसके आग की लहरें शहर में फैल गई, जिससे मानव जीवन के नुकसान के साथ सैकड़ों इमारतें और ब्रांड न्यू कार शिपिंग पोर्ट पर खाक हो गई। मरने वाले परिवारों को मुआवजा मिला और इसमें कुल $10 बिलियन की लागत आई थी। तियानजिन ब्लास्ट की तबाही के बाद कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा जो कि फिर से वही गलती दोबारा करे, है ना। लेकिन 2020 में बेरूत लेबनान में एक गोदाम में छोटी सी आग लग गई। फिर 20 मिनट के बाद कुछ ऐसा खौफनाक नजारा हुआ और यह विस्फोट तियानजिन विस्फोट से लगभग 5 गुना अधिक बड़ा था। इन गोदामों में 3,000 टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट 1.1 किलोटन TNT के बल के साथ फट गए। 300,000 लोग बेघर हो गए और देश को $15 अरब का भारी झटका लगा। 1986 को अमेरिकी स्पेस शटल चैलेंजर ने केप कैनावेरल से उड़ान भरी। मौसम भी अच्छा था और 7 एस्ट्रोनॉट भी तैयार थे, लेकिन फिर उड़ान के 73 सेकंड्स में यह हुआ और ये रॉकेट हवा में ही खाक हो गया। लाखों लोगों ने इतिहास की पहली बड़ी शटल दुर्घटना को लाइव टीवी पर देखा। लेकिन जहां तक रही स्पेस शटल की लागत, जो कि करीबन 24.5 बिलियन